हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड वी डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में निफ्टी बताया था कि एक रेंज में फंसा हुआ है, किसी भी तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, तो आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब अगर आप देखो, एक लोअर हाई बन चुका है यहाँ पे निफ्टी में, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक लोअर हाई बना दिया इसने। अब अगर ये लोअर लो बना देता है तो डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ से फॉल आता है और अगर यहाँ तक लोअर लो बनाता है तो एक डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन हो सकता है। सो लेट सी, बट यहाँ से गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। सेटअप काफ़ी नेगेटिव है, स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव है, तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा वीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और बैंक निफ्टी का टारगेट मेरा अभी भी वही है, 21,500 एंड 21,000। ये दो लेवल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बजाज फाइनेंस सेल बोला था, इसमें आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि मैंने आपको सेल दिया था अराउंड 6,000 के लेवल के आसपास, और 5,862 तक नीचे आया ये, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स। इसमें आपको काफ़ी अच्छा इंट्राडे में पैसा आया होगा। ऑरो फार्मा मैंने सेल दिया था आपको 807 के नीचे, लेकिन ये सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, तो ऑरो फार्मा में हम लोग ने कोई ट्रेड नहीं लिया। टाटा कम्युनिकेशन मैंने आपको बाय दिया था 552 के ऊपर, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है, एक बड़ा फॉल आया था और यहाँ पर थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, अब वापस ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, और अगर ये लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 300 के नीचे क्लोजिंग हुआ है, सो एक डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। सो बंधन बैंक कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। सेकेंड स्टॉक होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी 900 के लेवल से, अब एक रेड कैंडल बना है और मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये नीचे आ सकता है। 1,000 के नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। यानी इन्फोसिस इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। लास्ट स्टॉक होगा डाबर। डाबर में स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो, इसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ा था और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, यहाँ पर ये फ्लैग एंड पोल बना रहा है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। सो हायर चांसेस है ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।